वेलकम बैक। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा जो भी मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में डाला है। देखिए इधर सब लोग हल्दी के लिए रेडी भी हो गए और मुझे अभी रेडी होना था। एक्चुअली रात में शनाया बहुत ही ज़्यादा इरीटेट हो गई थी बिकॉज उसको अर्ली मॉर्निंग उधर से उठा कर लेके आए और रात में भी हम लोग लेट सोए थे। सब लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए चले गए बट मैंने और रीमा ने ब्रेकफास्ट रूम में ही मंगवाया बिकॉज शनाया सो रही थी एंड उसको फिर से लेकर जाना और फिर से वो इरीटेट करेगी इसलिए इधर ही ब्रेकफास्ट को मंगवाया। यूजुअली सब लोग रूम टूर बहुत नीट एंड क्लीन होता है तब देते हैं, मैं तो ये एंडिंग में ले रही हूँ बिकॉज एक तो पहले हम लोग लेट नाइट्स हुए एंड रात में कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था तो मैंने सोचा कि मैं सुबह में लूँगी तो ऑफकोर्स सुबह में थोड़ा सा मेस भी हो गया हम लोग जैसे रेडी हो रहे थे। और ये बाहर से है व्यू, आप देखिए इंजॉय करिए। और मैं रिकॉर्डिंग ही कर रही थी कि मुझे समीहा का कॉल आ गया बिकॉज अभी हमें डी मेरिडियन से फेयरमोंट के लिए जाना है तो समीहा भी रेडी हो गई एंड बहुत सारे लोग ऑलरेडी चले भी गए थे, हम ही बाकी थे इधर। लास्ट टू लास्ट व्लॉग में कि टैग क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट था बिकॉज हमारा लगेज जो है ली मेरिडियन से फेयरमोंट के लिए जाएगा तो आइडेंटिफाई करने के लिए इजी होगा। मैं जैसे मैंने बताया था कि मैंने टैग में अपना नाम नहीं लिखा था, थैंक्स टू रीमा कि उसने मेरा नाम लिख दिया था। अभी हम लोग जा रहे हैं फेयरमोंट जहाँ हल्दी होगी। और हम लोग फेयरमोंट के लिए निकल गए, फेयरमोंट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल था। और विजिट टू पर्पस पूछा तो मैंने बताया कि हम लोग शादी के लिए आए। सिक्योरिटी सिस्टम चेकिंग whether anything unlawful is there or not। और ये हो रही है हमारी फेयरमोंट में एंट्री। Help me get down।
इधर वीडियोग्राफर सोच रहा होगा कि मैम आपका हमें वीडियो लेना, आप हमारा वीडियो ले रहे हो, और वो बता रही थी फोटो के लिए आ जाओ खड़े हो जाओ, आज मैं ब्लॉग ही शूट कर रही थी। मुझे था कि मैं इनका प्रॉपर वीडियो शूट करूं, बट एक्चुअली हम लोग हल्दी के लिए बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुके थे, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में थोड़ा सा वीडियो ले लिया और उसके बाद में मुझे मौका ही नहीं मिला। एंड इधर हो रही है ब्राइड की एंट्री। इधर हुआ ब्राइड का रसम, उसके बाद हुई हमारी रॉकिंग दूल्हे की एंट्री। और दूल्हे की फैमिली तो अमेजिंग है, उनका एनर्जी लेवल तो हम लोग मैच ही नहीं कर पाए। एंड दूल्हे की मम्मा भी बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक थे, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा नए फैमिली से मिलकर। और समीहा तो बहुत ही लकी है माशाल्लाह। थोड़ा सा अपने आप को रिचार्ज करने के लिए थोड़ा सा खा लिया, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, आई कैन नॉट इवन एक्सप्रेस। फेयरमोंट इज़ वेरी गुड, उनका फूड इतना अच्छा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। माय गॉड, इधर का व्यू तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एंड बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रहा था। Sincerely, I'm really, really thankful to all of you. And the party has just started, and we're going to rock for the next few days.
वरदाना मैम से भी चाहूंगी प्लीज वो आ जाए वापस अपने सारी फैमिली को लेके। हम लोग खाने के लिए आगे खाना खाया और उसके बाद में डेजर्ट ट्राई किया। ब्राउनीज़ तो यम्मी थी। आई गेस पूरी शादी में 500 वेराइटीज़ था, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, डेजर्ट्स हो या मेन कोर्स हो, वॉट एवर इट इज़, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हमारा लगेज आ गया था और हम लोग रूम पे चले गए रेडी होने के लिए।